चलो भाई लेट अस स्टार्ट, कम ऑन। टेंथ में तो सब देखो ये मिल गया बेटा, लास्ट टाइम मैंने तुमको बता के रखा था ये वाला पार्ट, इधर तक अपन पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके तो मैंने तुमको क्या बोला था, p ऑफ देखो x + 3 इज द फैक्टर ऑफ x² + 2x - 3। तो मैंने तुमको क्या बोला था बेटा, व्हाट डिड आई टेल यू, कुछ नहीं करना है, पॉलीनोमियल को लिख देना है, करना कुछ नहीं है। ये पॉलीनोमियल को लिख दिया तुमने और तुम्हारा डिवाइजर क्या था, x + 3 था। एक सिंपल काम कर लो यार, एक ऐसी वैल्यू पुट कर दो जिससे तुमको आंसर जीरो मिल जाए। तो x को मैंने -3 पुट कर दिया क्योंकि -3 + 3 0, तो x को जब मैंने -3 पुट किया तो मुझे आंसर जीरो मिल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ x² + 2x - 3 और नॉट, ये प्रूव करना है हमको। क्वेश्चन को मैं पूरा रीड करता हूं, रुको वापस एक बार, और नॉट ऑब्वियसली बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया अब तक, फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है देखो, अपने को p ऑफ माइनस थ्री क्या मिला, जीरो मिला। एस पी ऑफ माइनस थ्री इज जीरो, मतलब तुम्हारा जो आंसर लास्ट में तुमको मिल रहा है वो जीरो है। देयरफॉर फैक्टर थ्योरम ये बोलता है, अगर तुमको आंसर पुट करने पे जीरो आ रहा है, अगर आंसर तुमको पुट करने पे जीरो आ रहा है, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम सर इसको और आगे करने का है कि फैक्टर है कि नहीं। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x + 3 इज द फैक्टर ऑफ, क्या था क्वेश्चन में क्या दिया था, किसका फैक्टर, इज द फैक्टर ऑफ x² + 2x - 3। हेंस प्रूव के फैक्टर है। आई होप बेटा तुम लोगों को समझाया वाली बात, एकदम सिंपल सी बात थी है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या बोल के रखा है, इफ x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, फाइंड m। तो बेटा तुमको पॉलीनोमियल क्या दिया है, x क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20। करना कुछ नहीं है, सिंपल बात करनी है यहां पर अपने को, ये फैक्टर है बेटा। तो क्या फैक्टर थ्योरम कैन वी से द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी जीरो ओनली, फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, अगर वो फैक्टर है। देखो लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये फैक्टर है कि नहीं प्रूव करना था, क्योंकि ये जीरो आया बेटा तब ये फैक्टर था। तो अगर तुम्हारा रिमाइंडर या फाइनल आंसर जीरो मिल रहा है तुमको, कहने का मतलब ये है तुम्हारा जो डिवाइजर है वो फैक्टर है इसका, मतलब इसका रिमाइंडर तुमको मिल रहा है जीरो। ओके जी नेक्स्ट बात करते बेटा, तो इन्होंने बोला क्या है, तो पी ऑफ एक्स तुमको दे के रखा है। तुमको एक चीज मैं हमेशा बोल दूं बेटा, कभी भी कोई पॉलीनोमियल दिया हो और एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू, एम प्लस टेन, जेड प्लस टेन, के प्लस टू, कुछ भी दिया है, पुट द वैल्यू फर्स्ट, फिर सोचोगे क्या करना है। तीन में से दो मार्क्स तो तुम्हारे हाथ में, पुट x इक्वल टू टू, क्यों, क्योंकि माइनस टू है, मैंने बोला अपोजिट प्लस टू। देयरफॉर p ऑफ टू विल बी इक्वल टू टू क्यूब माइनस m ऑफ टू स्क्वायर प्लस 10 ऑफ टू माइनस 20। देयरफॉर p ऑफ टू विल बी इक्वल टू टू क्यूब इज 8 माइनस टू स्क्वायर इज 4, 4m प्लस 20 माइनस 2, सॉरी 20 माइनस 20, प्लस 20 माइनस 20 कैंसल। देखो p ऑफ 2 समझा ना, विल बी इक्वल टू 8 माइनस 4m। अब बेटा मेरी बात सुनो अच्छी तरह से, क्वेश्चन में क्या देख रखा है, क्वेश्चन में क्या देख रखा है, नाउ एज इट इज गिवन, नाउ एज इट इज गिवन, नाउ एज इट इज गिवन
x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ x cube minus mx square plus 10x minus 20. Therefore, p of 2 will be equal to 0 by factor theorem, if you remember. Factor theorem यही था ना? अगर तुम्हारा जो factor है, अगर ये इसका factor है, तो इसका जो remainder आएगा वो 0 आएगा. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? याद आ रहा है ना? Therefore, p of 2 के बदले में क्या पुट करूंगा? 0 पुट करूंगा. देखो 0 will be equal to 8 minus 4m. देखो 4m को मैं इधर लेकर आऊंगा. देखो 4m will be equal to 8. Therefore m will be equal to 8 upon 4 which is equal to 2. Therefore m is equal to 2 is the answer. Question number 9th. By using factor theorem, आपको बताना है कि फैक्टर है या नहीं. सिंपल. तो क्या देख रखा है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन. क्यू ऑफ एक्स क्या देख रखा है? एक्स माइनस वन. करना क्या है? ये बड़ा टर्म है, ये तुम्हारा डिवाइजर है. पुट एक्स इक्वल टू वन. एक्स इक्वल टू वन पुट करने पर अगर पॉलिनोमियल वैल्यू जीरो आ रही है तो फैक्टर है, वरना नहीं है. समझ गया? देयरफॉर पी ऑफ वन विल बी इक्वल टू वन. क्यों पुट किया मैंने? क्योंकि यहाँ पर माइनस वन था ना, तो यहाँ पर मैं प्लस वन लूंगा तभी जीरो आएगा. वन क्यूब माइनस वन स्क्वायर माइनस वन माइनस वन. देखो पी ऑफ वन विल बी इक्वल टू वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन. तो प्लस वन माइनस वन तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? माइनस माइनस प्लस माइनस टू. यार क्या लिखोगे तुम लोग सिस्टमेटिक तरीके से? पी ऑफ वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ये फैक्टर तुम्हारा नहीं है. देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. सबको समझ में आ गया बेटा? इट एवरीबडी अंडरस्टूड और नॉट? ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड वाला, पी ऑफ एक्स कितना दिया है? 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45. और क्यू ऑफ एक्स कितना दिया है? एक्स माइनस 3. बेटा x माइनस 3 दिया. अब करना क्या? फैक्टर है या नहीं बताना है तुमको. क्या करो? पुट x इक्वल टू 3. देखो p ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 2 इनटू 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 45. देखो p ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 2 इनटू 3 क्यूब क्या होता है? 27 माइनस 3 स्क्वायर कितना होगा? 9 माइनस 45. तो p of 3 will be equal to 2 into 27 into 2 कितना होता है? 54. माइनस 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 प्लस 49 प्लस 9 कितना होता है बताइए? 54. तो ये हो जाएगा 0. तो बाय फैक्टर थ्योरम ये फैक्टर हो गया या नहीं होगा? कि 0 आ गया, 0 आ गया खुश हो जाने का. s p of 3 equal to 0 बाय फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस थ्री इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स गिवन पॉलिनोमियल. दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9. टिल नाउ वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 9.